आपको उत्तर प्रदेश के अयोध्या से बड़ी खबर बता दें, जहां पर एक एसएसएफ के जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। बताया जा रहा है कि संदिग्ध हालत में जवान को गोली लगी है। राम जन्मभूमि की सुरक्षा में ये जवान तैनात था जिस वक्त इसकी मौत हुई। अंबेडकर नगर का ये जवान रहने वाला था, लेकिन ये अयोध्या मंदिर की सुरक्षा में तैनात था। देर रात की ये घटना बताई जा रही है। तो अयोध्या से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अपूर्व पाठक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अपूर्व, क्या अपडेट है, क्या खबर है ये? एसएसएफ का जवान के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, किस तरह की परिस्थिति थी, क्या अपडेट आपके पास पहुंच रहे हैं? जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त कोई और भी वहां पर मौजूद था जिसने देखा हो ये हादसा? जी बिल्कुल, बता दें कि ये लगभग देर रात का मामला है, लेकिन वहां पर जो कुछ भी अभी तक जानकारी में पता लगा है कि जवान ड्यूटी पर तैनात था और उसके रिवॉल्वर से उसको गोली लगी है कि दूसरे की रिवॉल्वर से गोली लगी है, इसकी पूरी तरीके से पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि आला अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं, फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है और जो है सभी आला अधिकारी जांच कर रहे हैं, लेकिन हालांकि सही हकीकत क्या है खुलकर ये बातें सामने नहीं आ पा रही है। अपूर्व, अगर सुरक्षा में तैनात ये जवान था तो अकेले तो तैनाती रही नहीं होगी, आसपास कुछ और जवान भी रहे होंगे जो उस सुरक्षा कर्मी के साथ में उस वक्त थे, तो क्या उनसे पूछताछ की गई है, उसमें कुछ खुलासे नहीं हुए? जी बिल्कुल, बताते जैसे कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र श्री राम जन्मभूमि मंदिर की जो सुरक्षा है वो बड़ी कड़ी होती है, वहां पे किसी का जाना मोबाइल के साथ जाना प्रतिबंधित रहता है। हालांकि दूर से जो कुछ भी पता लगा है अभी तक कि इतना ही पता लगा है कि वो जवान सुरक्षा में तैनात था, लेकिन हालांकि जो दूसरे जवान थे उनके साथ में ड्यूटी पर तैनात थे उनसे कोई वार्तालाप नहीं हो पाई है। हालांकि जो अधिकारी है यहाँ के SSP IG या DM की बात करें तो वो भी खुलकर कुछ नहीं बता रहे हैं कि हालांकि किन परिस्थितियों में इस की मौत हुई है, खुद से गोली मारी है या किसी लड़ाई झगड़े से हुई है। बिल्कुल, यही सवाल मैं आपसे करने वाली थी कि क्या आत्महत्या से जुड़ा भी ये पूरा मामला हो सकता है क्या? जी बिल्कुल, देखिए सुसाइड तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी तक पूरी बात खुलकर नहीं आई है। जवान की शादी भी नहीं हुई थी, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने उनके भाई से बात की, सुबह 6 बजे उसके भाई को पता लगा कि उसको गोली लग गई है, वो एडमिट है, उसकी स्थिति ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो उनके परिवार वाले यहाँ पर पहुंचते हैं तो उनको मृतक जो मृत मिलता है वो जवान। बिल्कुल अपूर्व, हालांकि हर एंगल से पुलिस जांच करेगी, लेकिन आत्महत्या हो या हत्या हो दोनों में ही कई सवाल जन्मते हैं, क्योंकि देखिए अयोध्या में अगर राम जन्मभूमि ट्रस्ट में वहां पर वो सुरक्षा में तैनात है और वहां पर अगर एक जवान की हत्या हो जाती है और वो भी एक सुरक्षा गार्ड की हत्या हो रही है, यानी कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगी है, और अगर आत्महत्या से जुड़ा भी ये मामला है तो कई सवालों को जन्म देता है। खबर पर नजर बनाकर रखेगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।